अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद फैसल और आप देख रहे हैं एयर मार्केट। भाई बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि यार हमें अपनी जो है एक इंडस्ट्री लगानी है क्लोज मैन्युफैक्चरिंग की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो भाई हम किस तरीके से अपनी जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से हम अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं? तो यार तो इंडस्ट्री लगाना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है आप छोटी इंडस्ट्रीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब छोटे पैमाने पे जब आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उसके बाद जो है जब आपके एक मार्केट बन जाए, जब आपका यार मार्केट में आपका नाम होना स्टार्ट हो जाए, आपको लोग जानने लगे, आप लोगों को जानने लगे, आपको जब एक थोड़ी बहुत नॉलेज आए, तो उसके बाद जो है अपनी जो प्रॉफिट आएगी उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आप जो है बड़े पैमाने पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो यार बात ये है कि आपको अगर अपनी इंडस्ट्री लगानी है, सबसे पहले आपको ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से छोटे पैमाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा कमरा चाहिए, एक छोटा कमरा लेने खैर एक कमरा चाहिए, और कमरे के अंदर आपको 2 से 3 अपने लेबर चाहिए, ठीक है जी, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करेंगे? कपड़े यार दर्जी सीते नहीं सीते, ठीक है, दर्जी के कपड़े सीते तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग ही करना नहीं कर जाता, ठीक है। आपको अपने क्लोज मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, आपको कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, आपको जो टोटल आउटफिट होगा, जो आपका कपड़ा होगा, जो आपका रेडीमेड जो गारमेंट होगा, आपको वो जो है मैन्युफैक्चर करना है। जैसे कपड़ा आपने बाजार से लिया, जो बाकी का मटेरियल है वो आपने बाजार से लिया, और 2 से 3 आपने जो है जिनको आप दर्जी भी कह सकते हैं आपने उनको बिठा लिया, और जो है वो आपको स्टिच कर करके देते रहेंगे। अच्छा, एक ही डिज़ाइन का स्टिच करके देंगे, फिर उसके बाद उसी डिज़ाइन के जो है डिफरेंट कलर्स आएंगे, फिर आप उसे जो है लोकल मार्केट में ले जाकर सेल करें, ठीक है जी, लोकल मार्केट में ले जाकर सेल करें, और लोकल देखें उसके अंदर जो है फिर आपकी जैसी सेल बढ़ेगी, तो फिर ये आपका मार्केट जब आपके जो मार्केट के अंदर जब आपका शेयर बढ़ेगा, तो ये होगा फिर आपका खुद खुद रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगा, आप इसी छोटी चीज़ को फिर आप बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगाएं, थोड़ी सी बड़ी लगाएं, फिर थोड़ी सी और बढ़ना होगा, फिर आखिर में जाके आप और जिस लेवल पर आप जाना चाह रहे हैं उस लेवल पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया। दूसरा है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होगी कि हम जो है अगर फॉर एग्जाम्पल कपड़े सिलवाएंगे भी, तो ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन तो होगा नहीं। बहुत से लोगों के जहन यार ये होता है कि जो छोटे बच्चों के फॉर एग्जाम्पल हमें करना है, तो उनके लिए फिर आगे जो है टी शर्ट के आगे वो पिक्चर प्रिंट करके देते हैं, ठीक है, तो पिक्चर किस तरह प्रिंट कर रहे हैं, फिर वो हमें बाहर जाना पड़ेगा। यार इसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ और करना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल एक टी शर्ट सिलवानी है, ठीक है। जैसे ही अपने अपने टी शर्ट अपने बंदों से, जो आपके लेबर जो आपके काम कर रहे हैं आपने उनसे जैसे ही बनवाई, आप जो है इंस्टेंटली जो है आपके पास आप एक जो है वो ले लें अपना प्रिंटिंग मशीन आती है, टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन आती है, आप उसको अलीबाबा या आप उसको मेरे ख्याल में अमेजोन पर तो मैंने नहीं देखी, बट अलीबाबा पर मैंने देखी, आप अलीबाबा पर जाएँ सिंपल लेकर टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन, उसके आपको मशीन मिल जाएगी, आप थोड़ी बहुत तो देखें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये होगा, जैसे ही आप जो है वो टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन लेंगे, आप इंस्टेंटली उसके अंदर जो है जो भी आपको जो हो आप उसका प्रिंट कर सकते। तो भाई ये तो हो गया एक तरीका। अब इस तरीके से जो है आप अपना आगे जाके जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करें, और जो है आपकी देखा जाए तो इंडस्ट्री लग चुकी है, ठीक है भाई। अब आगे फिर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप जो है और नए आपको जो है तरीके बताऊंगा, कौन कौन से तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन कौन से बिज़नेस आप कर सकते हैं। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।